بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آتیاں مالنا من یهدیہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا
اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا. कर गौर तू हाथ दिया उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूरे इवें फर्के सारी दुनिया विच कोई जाबर ते कोई मजबूरे ते कोई तरसे तन दिया कपड़िया नू ते कोई खा खा के मगरूरे एक गल तू याद रख यारा हर एक ने मरना जरूरे। अल्लाह पाक दी मुख्तसर हमदो सना तो बाद लखा करोड़ा दरूदो सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिबे शर्फो कमाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते अक्दस वास्ते अल्लाह मालिक कायनात दा एहसान है जिस मालिक ने सानू वक्त नाल अपने घर के अंदर आन दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह सोना मिल बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा के जरिया निजात बनाए। इस दुनिया जहान के अंदर रेंद्या होया तुसी इस बात का मुशाहिदा किया होगा जेड़ा हुण दौर जा रहा है। इस दौर के अंदर एक चीज बड़ी आम हो गई, हर बंदा उस गुनाह अंदर मुबतला है, उस बीमारी अंदर मुबतला है, लेकिन कदे असी नजरा नहीं दौड़ाई। मेरी कोशिश होंगी है मैं जो भी किसी के सामने कोई गल करना मैं पहले अपनी सलाह करने की कोशिश करना, मुड़ जेड़े दोस्त अहबाब आते ने उन्होंने पल्ले कोई गल पाम की कोशिश करना। आज भी इस मुख्तसर वक्त अंदर एक बीमारी एक गुनाह का तज़करा जेड़ा बड़ा आम हो गया है ते बंदे गुनाह समझते भी नहीं पै वो मैं तुसा अहबाब के सामने करना है। अल्लाह सानू समझन दी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हर बंदा जुल्म कर रहा है, जुल्म हर बंदा जुल्म वाले गुनाह अंदर मुबतला है। जुल्म दियां तीन किस्मां मैं कोशिश करांगा कि मैं तिन्ना दा थोड़ी थोड़ी तुहाडे सामने वजाहत कर दिया, वक्त बचिया तो गल अगे चलावांगे नहीं तो इंशाला जिंदगी रही ते फिर। जुल्म दियां किन्नियां किस्मां ने जिवें तुसीं बैठे हो इवें गल नहीं होनी। जुल्म दियां किन्नियां किस्मां ने, तीन किस्मां। सब तो पहला जुल्म इंसान करदा है शिरक करके, मालक की जात अंदर अल्लाह की सिफात अंदर लोगों नू शामिल करके बंदा जालम बन जाता। मालिक कायनात ने कुराने पाक अंदर ऐलान फरमाया इन शिरक लज़ुल्म अज़ीम। बड़ी दफा तुसी सुनिया होगा लेकिन मसला यह है कि असी गल सुनने सुन के एक पासो सुनी तो दूसरे पासो कड़ गल जरा तवज्जो नाल सुननी है ते नोट करनी। पहला जुल्म है कि इंसान शिरक करदा है अल्लाह मालके कायनात दे नाल। दूसरा जुल्म इंसान जुल्म करदा है अपनी जान दे ऊपर। बंदे ने गुनाह कीता है, बंदे ने गलतियां कीतियां ने, बंदा
अपने गुनावां ते पशेमान नहीं हो रहा, वो अपने आप ते जुलम कर रहे। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मालिक कायनात में नबी दी दुआ अपने करामे पाक अंदर दसी है ते बयान फरमाई है कि नबी दुआ मांग रहे हैं, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, अल्लाह सोनिया गलती हो गई है, जुलम कर बैठा, मालिका माफ कर। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह सोनिया तू पाक है, रहमान है। हजरत यूनस आके अल्लाह मैं जुलम कर बैठा, गलती हो गई है। इंसान गुनाह करता है तो जुलम करता है। तीसरा जुलम जेड़ा इंसान इंसाना ते जुलम कर, इंसान बंदियां ते जुलम कर, इंसान अपने यारा दोस्ता बेलियां ते जुलम कर दे। जुलम आम हो गया है, बाप है ते अपनी औलाद ते जुलम करदा पे है, उनकी तरबियत सही नहीं कर रहा है, जुलम है। बाप है अपनी औलाद ते जुलम कर रहा है, बच्चियां दे अंदर मुहब्बत बराबर नहीं बढ़ रहा, जुलम कर रहा है। बाप अपनी औलाद ते जुलम कर रहा है, एक बेटे नू हक दे रहा है, दूसरे नू नहीं दे रहा, जुलम कर रहा है। बाप अपनी औलाद ते जुलम कर रहा है, बेटियां पुत्रां नू हर चीज वंडी जा रहा है, बेटियां नू कुछ नहीं दे रहा, जुलम कर रहा है। अगर तू किसी दी कुर्सी ते भी बह जाएगा तो तू जालम, तू उस बंदे दी जगह छीनी है, तू जुलम कीता है। तू रिश्वत लैके नौकरी लई है, रिश्वत लैके किसे दा हक तू ले आए, तू जालम है, तू उस बंदे ते जुलम कीता है। जुलम दिया किनिया किस्म, तीन किस्म, इंशाल्लाह मैं कोशिश करनी है तिन्ने किस्म से एक एक दलील अलग करके अपनी बात नु मुकम्मल करा। अल्लाह सानू समझन दी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। पहला, मालक दे नाल किसे नु शरीक ठहराना नहीं, अल्लाह दे नाल किसे नु शरीक नहीं ठहराना। समझ लो गल, एक वाकया अल्लाह मालिक कायनात दे कुरान अंदर सूरत काफ है आयत नंबर, अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कलामे पाक अंदर इरशाद फरमाया है आयत नंबर 32, 33, 34। ये पूरा रकू इस बंदे दे वास्ते, दो भरावां दा तज़किरा मालिक कायनात ने अपने कलामे पाक अंदर फरमाया है, ते जुल्म कीता उस बंदे ने, जुल्म अपनी जान ते शिरक करके। ते भाई जान, अल्लाह मालिक कायनात ने दस छड़े है, जेड़ा बंदा जालम होएगा, जुल्म करेगा, अगर मैं रब दे नाल शरीक ठहरा के जुल्म करेगा, अगर मैं अल्लाह दी जात दे नाल लोकां नूं मिला के जुल्म करेगा, अगर मैं अल्लाह दी सिफात अंदर लोकां नूं मिला के जुल्म करेगा, अगर मैं अल्लाह दी जात अंदर लोकां नूं मिला के जुल्म करेगा, अगर मैं अल्लाह दी बजाए लोकां कोलो जाके मंगेगा, मैं अल्लाह दी बजाए लोकां दे सामने जाके झुकेगा, मैं अल्लाह उस बंदे नूं भी तबाहो बर्बाद कर देंगा जेड़ा लोकां ते जुल्म करेगा, मैं अल्लाह उस बंदे नूं भी तबाहो बर्बाद कर देंगा। अल्लाह सानू इस जुल्म वाली बीमारी तो बचाए, सारे को अल्लाह सानू इस जुल्म वाली बीमारी तो बचा ले। आओ जरा तवज्जो करिया जे, बड़ी अहम तवज्जो नाल सुनन वाली गल है। अल्लाह मालिक कायनात दा कुरान है, ते मालिक कायनात ने दो भरावां दा तज़किरा इस इन आयत अंदर बयान फरमाया है। गौर करिया जे, काल अल्लाहु ताला वादरी बलाहुम मातरर राजू लेनी जालना ली आहदी घिमा जन्नत इनी मिन आना बिम्मा हफफना घुमा बिनखलिम वजालना बैना घुमा जरा किल्तल जन्नत इनी आतत उकुलाहा वलम तदलिम मिन हुशई अम सुन वलम तदलिम वलम तदलिम वलम तदलिम मिन हुशई अम वफजरना खिलाल लहुमा नहर वकाना लहु समर फकाला लिसाहिबिहि वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका मालम वअज्जु नफरा वदखल जन्नतहु वहुवा जालिमुन लिनफ्सी कालमा अज़ुन्नु अंतबीदा हादिहि अबदा वमा अज़ुन्नु साअता काइमतम वला इर्रुदित्तु इला रब
रब्बी लाजिदन खैरम मिनहा मुनकलबा। अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कलामे पाक अंदर ए दो बंदियां दा तज़किरा फरमाया है। भाई जान जेड़ा बंदा अल्लाह दी ज़ात नाल किसे बंदे नू शरीक ठहराएगा, मेरा अल्लाह उस बंदे नू जालम लिख देगा। वह बंदा अल्लाह दी नज़र अंदर जालम है, वह बंदा मेरे मालक दे कागजा अंदर जालम है। आवेखना दो वीर ते दो भरा, एक बड़ा अमीर है ते एक बड़ा गरीब है। एक नू अल्लाह ने बाग अता फरमाए ने, एक नू अल्लाह ने शानो शौक अता फरमाइया ने, एक नू अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता फरमाया है। ते जेड़ा दूसरा बंदा उन्दे कुल कुछ भी कोई नहीं, वह गरीब बंदा वह बाड़ा बंदा है। ते अल्लाह दी कसम यार उस बंदे ने आके अपने वीर दे सामने जड़ा ना ये इल्तजामा कीतियां, अपने वीर दे कोले आ करके बह जांदा है। अल्लाह मालिक कायनात ने नक्शे खिच छड्डे ने ते वह बंदे आपस अंदर दोवें भरा आपस अंदर गल्लां करदे पए ने, दोवें वीर आपस अंदर गुफ्तगू करदे पए ने। कहिंदे ने यार तैनू अल्लाह ने बड़ा कुछ अता कर छड्डिया है, तैनू मालक ने बड़ियां रहमतां नाल नवाज छड्डिया है। ते वह बाद वक्त अगो कहिंदा है नहीं 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 वह मेरे भाई जान मैनू मेरे अल्लाह नहीं दिता, मैनू तो मेरे बाबिया दिता है, मैनू मेरे अल्लाह नहीं दिता, मैनू तो फलाने बाबे अता किया है, मैनू तो फला बंदे ने अता किया है। मैं तो फला बंदे को मंगया है तो मैनू मिलया है, मैं तो फला पुत को मंगया है तो मैनू मिलया है। यार जे नशीन कर लै हर चीज का मालक है तो मेरा अल्लाह है, हर चीज के कादर है तो मेरा अल्लाह है, हर चीज देन वाला है तो मेरा अल्लाह है, हर चीज नू बनाने वाला है तो मेरा अल्लाह है। ओ भाई जान अगर औलादा देवे तो मेरा अल्लाह, बेटे देवे तो मेरा अल्लाह, बेटियां देवे तो मेरा अल्लाह, कुछ भी ना देवे तो मेरा अल्लाह, आ तेनू माल देवे तो मेरा अल्लाह, तेनू औलादा देवे तो मेरा अल्लाह, तेनू कंगाल कर छड़े तो मेरा अल्लाह, तेनू माला माल कर छड़े तो मेरा अल्लाह। ज़ेन बना लै अकीदा बना लै हर शै ते कादर है ते मेरा अल्लाह है, हर शै देन वाला है ते मेरा अल्लाह है। ते जरा मुहब्बत नाल तुम ही हिस्सा पा, बेटे देन वाला कौन है, ओए उची बोल, पुत्र देन वाला कौन है, ओ बेटियां देन वाला कौन है, ते बिगड़ियां बनाने वाला कौन है, ओ पाई जान लेखा चमेखा ठोकन वाला कौन है। हर चीज दे कादर है ते मेरा अल्लाह है, हर चीज दे कादर है ते मेरा अल्लाह है, ते मेरा अल्लाह कल्ला है, उन्दे तो इलावा देन वाला कोई भी कोई नहीं। ते दूसरा भरा कहिंदा ना 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 मैनू ते मेरे अल्लाह ने नहीं दिता, मैनू ते फलाने बाबे ने दिता है, मैनू ते फलां ने दिता है। ते अगो भरा कहिंदा ना भाई जान लकिन्ना हु वल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बि रब्बी अहदा। ऐ मेरे भाई जान अल्लाह दे नाल शरीक ना ठहरा, ऐ मेरे भाई जान अल्लाह दे नाल शरीक ना कर, मेरा अल्लाह हर चीज दे कादर है। बल्कि जब तू अपने बागां दे अंदर दाखिल होया कर उदो तू आखिया कर मालिक कायनात दा कुरान वलौला इज़ा दखलता जन्नत का कुलता माशा अल्लाह, कुलता माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हजरते उस अपने वीर नू नसीता प्या कर दे यार ना ना एवें दियां गल्लां ना करया कर जदो तू बाग अंदर जाया कर, बल्कि ए क्या कर मेरे अल्लाह ने चाहे ते मिलिया है, मेरा मालिक हर चीज दे कादर है। क्यों कहंदा मनदा ही नहीं पिया, जेड़ा बंदा आकड़ जाए जेड़ा बंदा अपनी गल ते अड़ जाए। कई बंदे बड़े अखड़ जिन्ना मर्जी समझा लो उन्हां गल समझनी कोई नहीं, कई बंदे बड़े जेड़ा ना बदबस्त जिन्नी मर्जी हदीसा सुना लो कुरान दी गल सुना लो जो अल्लाह वनों मोहरा लग जान उदो बंदा कितों समझदा है। यार आवेख मोहरा लगियां पईयां ही मेरे मालक वल्लों, कहंदा नहीं 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 मैं तेवें दी गल नहीं करनी, मैनू ते जेड़ा ना
फलाना बंदा देन वाला मैनू ते फुला देन वाला ते भाई कहिंदा यार इंज दियां गल्लां ना कर मेरा मालक हर चीज ते कादरी अगर मेरे अल्लाह ने चाया ते हर चीज तेरे कोल लै लेगा कहिंदा नहीं नहीं भाई जान मैं जड़ा ना ये काम नहीं कर ए तू तकरार कर रहा है ते बंदा रात नू सौं गया बंदा अपने घर चला गया रात नू हनेरी चल पई है उस बंदे दे बाग तबाह हो गए उस बंदे दी हर चीज तबाह हो गई हर चीज मिलिया मेट हो गई अगले दिन आया आ करके वेंदा है मेरा देते कुछ बचिया ही कोई नहीं मेरा देते प्या ही कुछ नहीं ते मालिक कायनात ने अपने कलाम में पाक अंदर नक्शे खिंच छड्डे ने आ करके बंदा कहिंदा प्या है वयकूल या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा वयकूल या लैतनी वयकूल या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा काश 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 हाय अफसोस मैं अल्लाह दे नाल शिरक ना करदा ते मेरा अल्लाह मेरा बाग तबाह ना करदा। सब तो पहली गल ज़ेन नशीन कर ले जेड़ा बंदा रब दे नाल शिरक करेगा वो बंदा जालम है जुलम करदा है ते मेरा अल्लाह जुलम करन वाले बंदे नू बख्शदा कोई नहीं मेरा अल्लाह जुलम करन वाले बंदे नू छाड़दा कोई नहीं। यार अकीदा बना ले आके अकीदा बना ते क्या कर तू दाता ईमा मेरा है मेरे मौला सब कुछ तेरा है ओए अकीदा बना तू दाता ईमा मेरा है मेरे मौला सब कुछ तेरा है तू खालिक कुल जहान दाए तू मालिक जिन इंसान दाए तेरे सामने अड़दा केड़ा है तेरे सामने अड़दा केड़ा है मेरे मौला सब कुछ तेरा है। यूसुफ नू याकूब तो दूर करे फिर रोमन ते मजबूर करे दिमे दख्त मिसर दासेरा है मेरे मौला सब कुछ तेरा है। काल लाहु ताला इन शिरक ला जुल्म अज़ीम भाई जान पहले नंबर ते अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं ठहराना जेड़ा बंदा मालक दे नाल शिरक करदा है जेड़ा बंदा अल्लाह दे नाल शरीक ठहरांदा है मेरा अल्लाह उस बंदे नू जालिमां दे अंदर लिख देंदा है ते मालिक कायनात ने अपने कलामे पाक अंदर फरमाया वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتئين مقنعي رؤوسهم مقنعي رؤوسهم میرا مالک فرماندا ہے جڑا بندہ ظلم کردا ہے جڑا بندہ زیادتی کردا ہے میں اللہ اس بندے نو مولت دے چھڈنا وا اگر میرا اللہ تینو پکڑ نہیں کر رہا تے یاد رکھ لے میرے رب دی مولت مل گئی ہے او وقت دور نہیں ہے جدو میرے اللہ دی پکڑ تیرے تے सकती है वो वक्त दूर नहीं है जो मेरे अल्लाह दी पकड़ तेनू पहुंच सकती है। यार ना ना वीर सब तो पहली गल अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना दूसरी गल अपनी जान ते जुलम नहीं करना अपनी जान ते जुलम करेगा तद भी जालम बन जाएगा अगर शराबा पींदा पिया है ते अपनी जान ते जुलम कर रहा है अगर गाने सुनता पिया है ते अपनी जान ते जुलम करता पिया है अगर बेनमाजी है ते अपनी जान ते जुलम करता पिया है अगर वीर सोनिया तू अल्लाह दे रहमत तो दूर टुर गया है ते अपनी जान ते जुलम करदा पिया है अगर मालक दा डर छड़ छड़िया है ते अपनी जान ते जुलम करदा पिया है अगर नबी पाक दे फरमान नहीं मनदा पिया ते याद रख ले अपनी जान ते जुलम करदा पिया है। ना ना यार अपनी जान ते भी जुलम नहीं करना आवे खंबियाई कराम कोलो गलती हुई ते अल्लाह मालिक कायनात दे कुरान अंदर अल्लाह दे नबी इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना या थर ते उतरन वाले कुराने पाक अंदर अल्लाह ने नक्शे बयान कीते ने आ नबी ए ते अल्लाह को दुआ मंगदा पिया है रब्बाना जलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। दूसरा नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते मालिक दे सामने गिड़गिड़ांदे पैने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। सब तो पहले नंबर ते याद रख ले अल्लाह दे नाल शिरक करेगा ते जुल्म करदा पे। दूसरे नंबर ते अगर गुनाहों च मुबतला है ते जुल्म करदा पे। गुनाहों च मुबतला है ते जुल्म करदा पे। ते तीसरे नंबर ते अगर किसे दा हक खा लिया ही ते मुड़ भी जालम बन गया है। अगर किसे दी जमीन ते कब्जा है ते मुड़ भी जालम है। अगर किसे दी औलाद दे हकूक खा रहे हैं ते मुड़ भी जालम है। अगर मां अपने औलाद अंदर इंसाफ नहीं करती पई तो मां भी जालम है। अगर बाप अपनी औलाद अंदर इंसाफ नहीं करता पिया तो बाप भी जालम है। अगर उस्ताद अपने शिगिर्दा अंदर इंसाफ नहीं कर रहा तो उस्ताद भी जालम है। अगर दुकानदार अपने जेड़ा ना थल्ले मुतैद काम करने वाले वास्ते उन्हें इंसाफ नहीं करता पिया तो भी जालम है। तो जी अगर मसीता की इंतजामिया मौलविया से रहम नहीं करती भी तो भी जालम। हाँ हकीकत है अगर तू उलमा का हक खा रहे तो जालम है। जेड़ा जेड़ा तू हक खाएगा उनका तेनों इंसाफ उत्थे मालिक दे कोल जाके बदला देना पै। मालिक ने तेनों पूछ करनी है। मजलूम की बददुआ तो बच जा। किसे ते जुलम अपनी जान ते भी नहीं जुलम करना ते किसे ते भी जुलम नहीं करना। आओ दरा अल्लाह मालिक कायनात ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया ते नबी पाक दी हदीसा अल्लाह दे नबी इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहदीस मुबारक है। नबी पाक दा फरमान इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबर रदी अल्लाह ताला अनहु बयान फरमांदे ने भाई जान किसे ते जुलम करन तो पहले एक गल ज़हन नशीन कर ले। किसे ते ज़्यादती करन तो पहले ज़हन नशीन कर ले। किसे गरीब दा गिरेबान पकड़न तो पहले गल ज़हन नशीन कर ले। किसे नू थप्पड़ मारन तो पहले गल ज़हन नशीन कर ले। किसे दा हक खान तो पहले गल ज़हन नशीन कर ले। ओ भाई जान अपनिया भैणां दा हक खान तो पहले गल ज़हन नशीन कर ले। हजरत जाबर रदी अल्लाह ताला अनहु बयान फरमांदे ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया अपने वीरां ते जुल्म करन तो बच जाओ। अगर तुसी अपने वीरां ते जुल्म करदे पए हो ते ए जुल्म तुहाडे वास्ते क्यामत वाले दिन अंधेरा बन जाएगा। तुहाडे वास्ते उत्थे क्यामत वाले दिन रोशनियां खत्म कर देगा। जदों वीर कम नहीं आना जदों कोई भी कम नहीं आना सवा नेजे ते सूरज होएगा। जमीन तांबे दी बन जाएगी। आसमान जमीन दे नेड़े आ जाएगा। चन जड़े ना खत्म हो जाएगा। आसमान टूट जाएगा। हर पासे नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा ते मेरा अल्लाह उदो जालम बंदियां ते अंधेरा कर देगा। जालम बंदे नूं कुछ नजर नहीं आएगा। जालम बंदा ना हो जाएगा। आवेख अल्लाह दे नबी ने फरमाया इत्ता कुछ जुल्म बच जाओ जुल्म तो। फा इन्ना जुल्मा जुल्मा तु यौमल कियामा जुल्म जड़ा ना क्यामत वाले दिन दया अंधेरिया चो एक अंधेरा है। हुन नाल नाल गल्ला सुनता जाई नाल नाल अपने गिरेबान च नजरा दुड़ांदा जाई। वक्त कम है मैं तेनू गल्ला दो चार दसना चाहना। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अगली गल जेड़ा बंदा किसे ते जुल्म कर दे अगर वो अल्लाह दे सामने हाथ उठा देवे अगर वो मालक दे सामने हाथ चुक देवे। ओ भाई जान हाथ चुकना ते दूर दी गल। अगर बंदा
इंज अखां चो हंजू गिरा देवे ते नबी पाक दा फरमान दावत अल मजलूम इत्तकू दावत अल मजलूम मजलूम दी बददुआ तो बच जाओ क्योंकि मजलूम दी बददुआ ते रब रहमान फरमाया मेरे दरमियान कोई भी पर्दा कोई नहीं मेरे दरमियान कोई भी पर्दा अगर मजलूम बददुआ कर देवे ते मैं अल्लाह फौरी सुन लैना वा। दूसरी गल अल्लाह दे नबी ने फरमाया तीन बंदियां दी दुआ तीन बंदियां दी दुआ मेरा अल्लाह फौरी कबूल कर दे तीन बंदियां दी दुआ ते बददुआ मेरा अल्लाह फौरी कबूल कर दे। सब तो पहले नंबर ते अगर बंदा मुसाफर है ते मेरा अल्लाह उस बंदे दी दुआ बड़ी जल्दी कबूल कर दे मेरा अल्लाह उस बंदे दी गल बड़ी जल्दी सुन दे। ते दूसरे नंबर ते अगर जे बंदा मजलूम है अगर ओंदे ते जुल्म होया है ओने किसे दे बारे बददुआ कर छड़ी है ते मेरा अल्लाह उस बंदे दी बददुआ फौरी कबूल कर लैंदा है उस बंदे दी बददुआ फौरी कबूल। ते तीसरे नंबर ते बड़ी गल जिहड़ा अलमिया अज साडे अंदर मौजूद है मैं ओंदा जिक्र करना चाहना अल्लाह करे सानू समझ आ जाए। तीसरे नंबर ते अगर बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ कर देवे बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ कर देवे ते भाई जान मेरा अल्लाह बाप दी दुआ रद्द नहीं करदा मेरा अल्लाह अब्बे दी दुआ रद्द नहीं करदा। ते अगर बाप ते बेटा जुल्म करदा पिया है ते बाप दी ते वैसे ही मेरा रब रद्द दुआ नहीं करदा अगर बाप होए फिर होए भी मजलूम ते मैनू दस मेरे तेरे वास्ते हाथ उठा दे मेरा तेरा बनेगा की। अगर बाप मजलूम है बाप ते जुल्म करदा पिया है ते अजकल दे दौर अंदर जगह जगह ते जुल्म दियां दास्ताना आ खोल मोबाइल जगह जगह ते जुल्म दियां दास्ताना तेनू नजर आन गिया। मैनू कल उस्मान डोगर साहब एक गल एक तस्वीर विखा रहे सन अपने बेटे ने हाय बदबख्तियां साडियां आसमान साडे ते फट क्यों नहीं जांदा ओए वीर सुनिया साडे ते पता नहीं पत्थरां ते मीह क्यों नहीं नबी पाक दी दुआ है नहीं ते हुण नूं कदों दियां तबाहियां फिर जानियां सन जिन्ना जुल्म साडे मुल्क दे अंदर हो रहा है अगर रियाया है जिहड़ा ना उंदे ते जुल्म कीती जा रही है हकूमत है ओ जुल्म कीती जा रही है ताकतवर बंदा है ओ जुल्म कीती जा रहा है अगर कोई वडेरा बंदा है ओ जुल्म कीती जा रहा है अगर कोई पैसियां वाला है ओ जुल्म कीती जा रहा है ते इस तो बड़ी गल अगर कोई गरीब है ते ओ भी जालिम बनिया बैठे ओ भी जुल्म करनो बाज नहीं आंदा। मैं तैनू गल समझाना पहले गल सुन ओए वीर सुनिया मैं एक वाकया पढ़दा पिया मैनू उन्हें विखाया है जिहड़ा बेटा है उन्हें अपने बाप नू मोटरसाइकल दी तार दे नाल इंज गला दबा के मार दिता वजह की है उन्दे बाप ने उन्हू जिहड़ा ना जमीन नहीं दे रहा वह कहिंदा पुत्र जदों मैं दुनिया तो जावांगा जमीन तेरी है कहिंदा नहीं नहीं अब्बा मेरा हिस्सा दे छड़ ते अब्बा ने हिस्सा देन तो इनकार किया ते उस जालम बेटे ने अपने ही बाप नू इंज जिहड़ा ना गर्दन दे अंदर तार लपेट के इस दुनिया तो ही रुखसत कर छड़िया है। जुल्म दियां दास्ताना जगह जगह ते मौजूद ने हर बंदा जुल्म ते लग्या है हर बंदा जुल्म ते लग्या है तुसी वेखना हुण अपने अपने गिरेबान च आ जिहड़े मैं हुण जुल्म दी गल करन लग्या ना अल्लाह दी कसम है हर बंदा इस वजह तो जुल्म दे अंदर लग्या है। केड़ी गल नबी पाक दा फरमान आ सुन जेड़ा बंदा किसे दी इज्जत दे हरफ चकदा है वह बंदा भी जालम है ते जिंदी इज्जत दे हरफ चकिया जा रहा है वह मजलूम है। हर बंदा जालम के नहीं दो बंदे बैठे ने किसे ना किसे दी इज्जत उछाली जा रहा है दो बंदे बैठे ने किसे ना किसे दी इज्जत दा जनाजा निकाली जा रहे ने हर बंदा जुल्म कर रहा है ते कदे सोचे ही नहीं भी असीं जुल्म कर दे पाए कदे जेन च ख्याल ही नहीं आया भी असीं जालिम बने बैठे। आ सुन गल इमामे कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरा मुहब्बत नाल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जरा इमामे कायनात बदरुद्दुजा खैरुल वरा शमसुज़ुहा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी इमाम कायनात दा फरमान भाई जान जालम जेड़ा ना जालम नहीं बनना मजलूम दी बददुआ तो बच जाना है अगर तू किसी दी इज्जत दे हरफ उठा रहे तां वी तू जुल्म करदा पिए भाई जान बच जा जुल्म तो इत्थे बैठिया किसे ने नहीं जे रहना हर किसे ने टुर जाना है एवें ना जुल्म करदा फिर ए चार दिन दी जिंदगी ए सोहनी गुजार के जा मेरे नबी पाक दा इक यार है हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह दे नबी दे नाल मुहब्बत करन वाले इमाम कायनात दे नाल प्यार करन वाले हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हो ते अल्लाह दे नबी ने खुमस दा गवर्नर बना के भेज छड़िया हजरत साद नू ए हजरत साद चलदे चलदे खुमस दे अंदर चले गए ए कूफे दे अंदर एक इलाका उत्थे जाके इमामत करन लग पेने अल्लाह दे नबी दे दौर तो बाद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो दा दौरे मुबारक आ गया वो वीर सुनिया साद नू अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता फरमाया साद नू अल्लाह ने बड़िया इज्जत अता फरमाइया हजरत उमर पाक आ गए ने हजरत उमर पाक ने आ करके उतो गल्लां पूछिया आ यार जुलम ना करया कर किसे दी इज्जत जड़ा ना उछालिया ना कर मैं गल्लां ना करया कर किसे दी इज्जत कीचड़ ना उछालिया कर जदों तू किसे दी इज्जत ते कीचड़ उछालेगा भाई जान जालम लिखिया जाएगा जालम लिखिया जाएगा जालम लिखिया जाएगा अल्लाह सानू इस जुलम तो बचाए इस जुलम अंदर हर बंदा ही मुबतला है ये जुलम हर बंदा करदा पिया है इस जुलम अंदर दूसरा तीसरा बंदा मुबतला आवेख हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हो इमामत पे करवांदे ने इमामत दे फर मरतबे ते फायद ने ते अल्लाह दे नबी दे यार हजरत जेड़ा ना उमर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आ गए आ करके बंदियां नू पुछदे पए ने यार साद किवें दी इमामत करवांदा है यार साद किवें दे अंदर तुहाडे अंदर रहिंदा है ते बंदे बड़े मुतमईन ते हर मस्जिद अंदर एक अद्धा बंदा फितने पाण वाला हुंदा है यार ना ना एवें इमामा ते इतराज ना करया कर एवें निक्की निक्की गल तो इतराज ना उठाया कर एवें निक्की निक्की गल तो कीचड़ ना उठा लिया कर ओ भाई जान अगर इमाम दी इज्जत ते कीचड़ उठा लेगा उन्हें हाथ उठा छड़े ते अल्लाह तैनू नेस तो नबूद कर देगा मारा मालक तैनू बर्बाद कर देगा आवेख हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हो दे बारे उसामा नामी एक बंदा है ते उठ के खड़ा हो गया तीन अतराज करदा है तीन इल्जाम लगांदा है हजरत साद बिन अबी वकास ते हजरत उमर पाक ने पूछिया हां भाई साद यारा बंदा तीन इल्जाम तेरे ते लगांदा पिया है हजरत साद खड़े हो गए इंज दुनिया वेंदी पई है इंज दुनिया दे सामने ओए जुल्म करन तो पहले जे नशीन कर लई मेरी गल यार याद रख लई अल्लाह दी कसम मेरा अल्लाह तेरियां तबाइयां ला छड्डेगा मेरा अल्लाह तैनू नेस तो नबूद कर देगा मेरा अल्लाह दुनिया ते भी जलील कर देगा कल कयामत वाले दिन भी जलील होवांगे आवेख हजरत साद खड़े हो गए ते कहंदे ने अल्लाह सुनिया रब रहमाना तैनू पता है मैं हुण गल करा वी ते फायदा कोई नहीं क्योंकि इन्हें मेरी इज्जत दा जनाजा कढ छड्डिया है इन्हें मेरी इज्जत दे जिहड़ा ना कीचड़ उछाल छड्डिया है अल्लाह मैं हुण इहनू बददुआ देण लग्गिया अल्लाह सुनिया ओनी देर तक इस बंदे नू मौत ना आए जिन्नी देर तक फितनिया च मफू मुबतला ना हो जाए अल्लाह उन्नी देर तक दुनिया च ना जाए जिन्नी देर तक फितनिया च ना चला जाए ते दूसरे नंबर ते हजरत साद फरमाया अल्लाह सुनिया इंदी उम्र लम्मी कर दे अल्लाह इंदी उम्र लम्मी कर दे ए देर तक जींदा रवे ते ज्यादा लम्मिया उमरां भी चंगिया कोई नहीं ज्यादा लम्मिया उमरां भी मुताजी दा बायस बणदियां ने तीसरी गल हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अनको बयान फरमांदे ने अल्लाह सोणिया इनू फाकियां दे अंदर मुबतला कर दे ए उसामा नामी बंदा ते फिर मुअर्रखीन ने लिखया है ए खुमस दे बदारां दे अंदर ए साद फिरदा सी इतनी लंबी उम्र हो गई है कि इंदे परपीटे डिग डिग के गल्लां ते आ गए ने आ जड़े ने परपीटे ए गल्लां ते आ गए इतनी लंबी उम्र हो गई कि इंज मुबतला होया फितनिया दे अंदर बड़ा नमाजी ते परहेजी इंज बदार दे अंदर बैठा हुंदा अगर कोई नौजवान लड़की लंघदी ते उहनू छेड़दा ते उह लड़की लित्तर उठा के इंदे सिर दे अंदर मारदी ए साद दी बददुआ ए ए मजलूम बंदे दी बददुआ ते तीसरी गल ए मालदार बंदा सी इंज फाके आ गए कि हर रोज किसे
ना किसा करो मंग के खांदा सी इंदे कर खान वास्ते आटा भी मौजूद कोई नहीं इंदे कर खान नु कुछ भी कोई नहीं जुलम कीता बद्दुआ मिली ए तीन उन बद्दुआवां हजरत ते साथ दितियां ते उने दुनिया च किन्ने बद्दुआवां वेखियां जुलम ना करया कर किसे ते ज्याती ना करया कर ओ ना होए खांदा पींदा घर उजाड़ के बह जा निक्की निक्की गल तो डरया कर अगर मेरा मालक गफूर रहीम है ते मेरा मालक जब्बार ते कहार भी उंदी पकड़ बड़ी सख्त है उंदी पकड़ बड़ी सख्त है अल्लाह सानू महफूज फरमाए वक्त कोई नहीं गल्ला हाली 6-7 ने तवज्जो करो मैं जल्दी जल्दी गल मुकामा इमाम ज़हबी उन्हें एक वाकया लिखिया बस गल आखरी करिए मैं गल सुनाई ना इज्जत आली इमाम ज़हबी उन्हें एक वाकया लिखिया है एक बंदे दा अपनी किताब दे अंदर कि एक बंदा सी बड़ा जालम किस्म दा पुलिस अंदर पुलिस दे महकमा वैसे भी बदमाश महकमा माशाल्लाह वो उन्हें ना एक बंदे को मछली खोल बंदा जा रहा सी मछली लैके उन्हें मछली खोल उनके हाथ च मछली सी तवज्जो करो मछली खोन तो बाद वो बंदा अपने घर जान लग गया ते पानी दे अंदर सी वो मच्छी छापर या किसी चीज अंदर उन्हें मछली नू पकड़न लग गया ते उस मच्छी ने उन्हें अंगूठे ते चक वड़ लिया उस मछली ने उन्हें अंगूठे ते टक वड़ लिया जदो जुलम करना है ना गल ज़हन च रखिया कर वक्त कलील है जल्दी सुनो उन्हें मछली ने जरा चक वड़िया उन्हें तकलीफ शुरू हो गई बंदा चलता चलता अपने घर अंदर चला गया जा करके उन्हें मछली भूल गया है उन्हें दर्द शुरू हो गई इन्नी ज्यादा दर्द इन्नी ज्यादा तकलीफ है कि बंदा परेशान बंदा बड़ा दुखी है ते बंदा रोना शुरू कर दिता वैवाला पाना शुरू कर दिता कहिंदा मेरे कोल तकलीफ बर्दाश्त कोई नहीं मैनू डॉक्टर को लै जाओ उनके घर वाले उन्हें डॉक्टर को लै गए ने डॉक्टर ने आखिया इंदा अंगूठा कटना पैगा इंदा अंगूठा नालो लाना पैगा जदों किसी का हक खाना है गल ज़हन नशीन कर लै जदों किसी की जमीन ते कब्जा करना है यार अपने ज़हन अंदर गल बिठा लै अगर भैणा दियां ज़मीनां खा के बैठा है ते अल्लाह की कसम जुलम करके बैठा है अगर पुत्रां दे हक खा के बैठा है ते जुलम करके बैठा है अगर पुत्र है ते बाप दा ख्याल नहीं करदा ते ओ भी जालम है अगर पुत्र है ते मां दा ख्याल नहीं करदा ओ भी जालम है अगर तू रिश्वत दे के किसे दी नजायज चीज अपने कब्जे अंदर लई है ते तू भी जालम है हर बंदा निक्के निक्के गल अंदर जुलम अंदर मुबतला अल्लाह सानू महफूज फरमा लै ये बंदा जिहड़ा ना अपना जाके इंज करके इस बंदे ने आखिया मेरा अंगूठा बड़ा दर्द कर रहा है उन्हें आखिया जी अंगूठा उतारना पेगा अंगूठा उतार दिता गया वक्त गुजरिया है फिर जिहड़ा ना उस बंदे ने आखिया मेरा हाथ बड़ा दर्द करता पिया है ये बंदा पता कौन है इमाम ज़हबी लिखिया है ये बंदा चौक के अंदर खड़ा होके आवाजा लगाता पिया है चौक के अंदर खड़ा होके लोगों नू कहता पिया है अगर किसी इबरत हासिल करनी है तो मेरे को कर लो अगर किसी ने इबरत वेखनी है तो मैनू वेख लो अगर किसी बंदे ने इबरतनाक अंजाम वेखना है तो मैनू वेख लो बंदे खलो खलो के इंदियां दास्ताना पुछते ने बंदे खलो खलो के इंदे कोलो गल्लां पुछते ने इन्हें आखिया जी मैं आ वाकया मेरे नाल पेश हाथ दर्द करता पिया हाथ उतार दिता गया फिर कहिंदा है मेरी बांह दे अंदर दर्द शुरू हो गई है मैं फिर डॉक्टर कोल गया गल मुख्तसर मेरा बाजू उतार दिता गया ते एक सियाणा बंदा मेरे कोल आया आ करके कहिंदा है यार वजह की है किस वजह तो इस जिहड़ा बीमारी अंदर मुबतला हो गए कहिंदा यार मैं इंज मच्छी लैके आया सा ते मैं इंज बंदे कोलों मच्छी खोई सी ते मैनू लगता है उस बंदे की वजह तो मैनू ये दुख मिलते पे ने मैनू लगता है उस बंदे की वजह तो मेरे बाजू कट्टे गए उस आखिया यार गल ठीक है जा के लभ मच्छी वाला बंदा केड़ा है वह बंदा लभदा लभदा चला गया जा करके कहिंदा है याई भाई जान मैं बड़ा परेशान मैं बड़ा दुखी हाँ मेरा आबाजू कटिया गया है अल्लाह की रजा वास्ते मैनू माफ कर दे ते यार एक गल याद रख लै अगर अल्लाह की जात नाल जुलम करेगा तो
मेरा मालक कादर है बख्श देने वाला है, अगर अपनी जान पे जुल्म करेगा तौबा कर लेगा तो मेरा अल्लाह बख्श देगा, अगर तू लोगों पे ज्यादतियां कीतियां ने ते अगर माफियां लोगों को ना मंगियां मेरे रब ने भी माफ नहीं जे करना, मेरे अल्लाह ने भी माफ नहीं करना। बेशुमार हदीसा इस गल ते मौजूद ने लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आवेख बंदा कहिंदा है यार मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं बड़ा दुखी हाँ, मैनू दस की वजह है, किस वजह तो मेरे नाले वाकया पेश आया। उन्हें आख्या जी मैं ते कोई गल नहीं की, अगर यार तू कोई गल तो नहीं की पर दस ते सही मालक नू आख्या की है, मैनू दस ते सही अल्लाह नू आख्या की है। वो कह लग्या भाई जान जो तो तू मेरे को मछली खो के गया से, जो तो तू मेरे ज्यादती करके गया से, मेरी अखा चो हंजू आ गए। मैं आख्या अल्लाह सोने तू मालक है, तू रहीम है, तू करीम है, अल्लाह मैं ते कुछ नहीं कर सकता, क्या तू भी कुछ नहीं कर सकना है। अल्लाह सुने मैं ते माड़ा बंदा वा, मैं तेरे को कुछ नहीं खो सकता। अल्लाह जे तू रब रहमान मजलूमा दे नाल है ते उन्नी देर तक मैनू मौत ना आए जिन्नी देर तक मैं इस बंदे दा अंजाम ना वेख लवां। ते आज मैनू अल्लाह ने अंजाम बखा छड़िया है, तू मेरे सामने आके माफिया मंगता पिया है। जुलम ना करया कर, जुलम ना करया कर, जुलम ना करया कर। आ एक गल सुनावा बल्कि रहंदी है फिर किसे दिन सही, यार जुलम ना करया कर, मालक बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा परवरदिगार, हर किसे दे नाल मुहब्बत करन वाला, ओ मालक हर किसे दा मालक है। अगर अमीर दा अल्लाह है ते गरीब दा भी ते अल्लाह है, अगर अमीर कोल पैसा है गरीब कोल मेरा रब है, अगर अमीर रात नू जुलम करके आराम नाल सोंदा है ते मजलूम रात नू खड़ा हो के अल्लाह दे सामने रोंदा है। अगर तू पैसे दे सकना है ते मजलूम तेरे वास्ते बददुआ भी कर सकता है। ना ना यार अगर तेरे ते जुल्म होया है रब दा दरवाजा खड़काया कर, अगर जुल्म कीता है ते माफिया मांग लै, अकीदा बना लै, हर किसे दा मालिक अल्लाह है। मालिक मेरा खुदा है, खालिक मेरा खुदा है, जेंच गल रखिया कर, अरशां वाला खुदा दुखियां दा आसरा है। मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। अरशां वाला खुदा दुखियां दा आसरा है, अल्लाह दा नाम सोहना सोहना, अल्लाह दा नाम सोहना, हर मर्ज दी दुआ है। अरशां वाला खुदा दुखिया दा आसरा है, बैठा है अरशां उत्ते सुनदा है सब दी बोली, मंगता जो रब दे कोलो भर देवे उस दी चोली, दर दर ते ओ न जावे जावे, दर दर ते ओ न जावे, अल्लाह दा जो मंगता है। अरशां वाला खुदा दुखियां दा आसरा